9 अक्टूबर 2019 को क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो कि मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करता है। ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया, आज सोनीपत जिले में क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोनीपत के पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सोशल वर्कर को लॉकडाउन के चलते कोरोना से लड़ने की अपार क्षमता के लिए सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज शर्मा का क्या कुछ कहना था, वह भी आप सुनिए। इस स्थापना दिवस पे हमने यही प्रण किया कि कहीं भी किसी गरीब को जिसके पास पैसे नहीं है या वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर फील करता है, हमारा क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसकी तनदेही से मदद करेगा और हर समय तत्पर करेगा। इस मौके पर हरियाणा, पंजाब व फरीदाबाद सहित जहां भी क्राइम कंट्रोल की टीम है, सभी लोग शामिल हुए। के आज स्थापना दिवस मनाया गया सोनीपत में, पहला स्थापना दिवस था कि पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोनीपत के स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी और सोशल वर्कर को हमने आज सम्मानित किया, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़े उन्हें कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।